हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज दा साडा टॉपिक हैगा प्रोसीजर ऑन IM इंजैक्शन। इस दे विच मैं तुहानू सारा प्रोसीजर दसूंगी जिहड़ा असी MS 1 दे मैडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑफ सैकेंड ईयर JNM सैकेंड ईयर दे विच जिहड़ा असी केयर प्लान जिहड़ा प्रोसीजर असी लगाउणा हुंदा हैगा, ठीक है। क्राइटेरिया दे विच असी प्रोसीजर लगाउणा हुंदा हैगा। तां वीडियो नूं शुरू करन तों पहलां जेकर तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड वीडियो नूं लाइक कमेंट शेयर करके जरूर दस्सिओ वीडियो तुहानूं किदां दी लगी। सब तो पहला हैगा IM इंजैक्शन, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन। डेफिनेशन हैगी आ एंड इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन वैन मेडिसिन इज इंजैक्टड डीप मसल। जिहड़ा इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन की हुंदा, जदों जिहड़ी मेडिसिन हैगी आ थ्रू द इंजैक्शन डीप मसल दे विच इंजैक्ट की जाती है, इनसर्ट की जाती हैगी आ। दो डेफिनेशन मैं लिखिया हुई हैं। इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन इज द इंजैक्शन ऑफ द सबस्टांस डायरैक्टली इनटू मसल। जिहड़ा डायरैक्टली मसल दे विच इंजैक्शन प्रोवाइड किया जाता उन्होंने क्या जाता हैगा IM इंजैक्शन। परपज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन की परपज़ हैगी आ, क्यों दिता जाता हैगा। इट इज़ सिंपल एंड असैसीबल। एक सिंपल हैगा, ठीक है। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इज़ मोर रैपिड। जिहड़ियां ज़्यादा तेज़ ड्रग्स होंदियां हैगियां है ना, वह असी IV नहीं दे सकते हैगे, तां करके जिहड़ा इहदा IM दा असर हुंदा आम असी सुणन नूं मिलदा सानू भी हौली हौली हुंदा हैगा है ना असर जिहड़ा हैगा, तां करके जिहड़ियां रैपिड ड्रग्स हुंदियां हैगियां वह हौली हौली अपना असर करदियां हैगियां। स्लाइटली इरीटेंट ड्रग्स इज़ मोर रैपिड। मॉडरेटली लोंग वॉल्यूम गिवन बट नॉट मोर दैन 5 ml। जिहड़ा असीं IM इंजैक्शन हैगे आ ज़्यादा दे सकते लार्ज वॉल्यूम दे विच दे सकते हैगे आ, पर 5 ml तो ज़्यादा असीं नहीं दे सकते हैगे। इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन वर्क फास्टर एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। जिहड़ा इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन हुंदा हैगा वधिया काम करता हैगा है ना, तो जिहड़ा उहदा सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ड्रग्स का जिथे इफेक्ट हुंदा सिस्टम वाइज बॉडी के उपर सही इफेक्ट दिखाउंदा हैगा। प्रिंसीपल की हैगे आ इंट्रामस्कुलर इंजैक्शन दे, नैवर यूज़ द सेम नीडल एंड सिरिंज टू इंजैक्टड मोर दैन परसन। एक ही सिरिंज एक ही पेशेंट के उपर जिहड़ी यूज़ करनी हैगी आ। नैक्सट हैगा इफ एनी साइन ऑफ एलर्जिक एंड पॉइजनिंग रिएक्शन अपीयर नैवर गिव सेम और सिमिलर मेडिसिन अगेन। जेकर कोई भी रिएक्शन सानू दिखते हैगे तो जिहड़ी सेम मेडिसिन नहीं देनी हैगी। सिलेक्ट द प्रोपर साइट एंड नीडड अकॉर्डिंग टू एज वेट ऑफ पेशेंट एंड मेडिकेशन विस्कोसिटी। सिलेक्ट करना हैगा प्रोपर साइट भी कित्थे असी जिहड़ा इंजैक्शन देना हैगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट दी एज एंड वेट दे, ठीक है। मेनटेन स्टरलाइट टैक्नीक प्रोपरली जिहड़ी स्टरलाइट टैक्नीक हुंदी आ उहनूं मेनटेन करके रखना हैगा। नैक्सट आ गया हैगा आर्टिकल्स, की सानू आर्टिकल्स चाहिए हैगे आ। स्टरलाइट कंटेन किडनी ट्रे होनी चाहिए आ, कॉटन होनी चाहिए है, ग्लव्स होनी चाहिए है, एंटीसैप्टिक सोल्यूशन जिहड़ी टू क्लीन द साइट वेयर वी प्रोवाइड इंजैक्शन, स्टरलाइज सिरिंज एंड नीडल, गॉज पीस इफ नीडड, ठीक है। नैक्सट आ गया साडा प्रोसीजर जिहड़ा हैगा स्टार्ट हो गया। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। जिहड़ा पेशेंट नूं जेकर पेशेंट कॉन्शियस हैगा तो उन्हूं असीं जिहड़ा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना हैगा भी भाई असीं भी तुहानूं भी इंजैक्शन देण जा रहे हैं। जेकर पेशेंट अनकॉन्शियस हैगा तो उन्हां जिहड़े फैमिली मैंबर हैगे आ जां कोई भी रिलेटिव हैगा है ना उन्हां नूं प्रोसीजर एक्सप्लेन करना हैगा। परफॉर्म हैंड वॉशिंग, उस तो बाद हैंड वॉशिंग करनी हैगी आ। डू नॉट ऐड एयर टू द सिरिंज। हैंड वॉशिंग तो करन तो बाद ग्लव्स वीयर करने हैगे आ। फिर उस तो बाद जिहड़ी सिरिंज हैगी आ वो लैनी हैगी आ, उहदे विच कोई भी एयर ऐड नहीं होन देनी हैगी। प्रोवाइड द प्राइवेसी विच टेक द इंजैक्शन, जेकर प्राइवेसी की नीड हैगी तो प्रोवाइड करनी है। इनश्योर द एरिया इज़ नॉट टेंडन एंड इज़ फ्री फ्रॉम इनफेक्शन। जिथे असी इंजैक्शन प्रोवाइड करन जा रहे हैं उन्होंने इनश्योर करना हैगा भी एरिया टेंडरनेस ना हो, उत्थे आकड़िया में ना हो एंड फ्री फ्रॉम इनफेक्शन हो, कोई भी इनफेक्शन ना हो। एंटीसैप्टिक सोल्यूशन के नाल उस एरिए साइट नू क्लीन कर लेना हैगा। क्लीन द एरिया थ्रोली एंड अलकोहल स्वैब इफ एनी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन हैगा वो एरिए क्लीन कर लेना हैगा। नीडल प्लेस द 90 डिग्री
एंगल ऑफ द पेशेंट, नीडल प्लेस करनी हैगी 90 डिग्री एंगल से जोड़ा असं आई एम इंजैक्शन प्रोवाइड करना हों। आई एम इंजैक्शन की मैं एक लाइव वीडियो भी प्रोवाइड की सी, उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करूँगी। एस्पीरेट बाय स्लोली पुलिंग बैक ऑफ सरिंज, बैक फ्लो लेना हैगा। इफ नो ब्लड इज एस्पीरेटेड इंजैक्टेड एंड सोल्यूशन स्लोली, बैक फ्लो जो असं लेने तो जेकर कोई भी ब्लड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब साडा इंजैक्शन सही हैगा, तो स्लोली हौली हौली धीरे धीरे जिहड़ा इंजैक्शन हैगा इंजैक्ट कर देना हैगा। रिमूव द नीडल स्लोली, नीडल रिमूव कर लेनी हैगी है। ट्विस्ट द पेशेंट टू पोजिशन ऑफ द कंफर्ट, पेशेंट की सहायता करनी है कंफर्टेबल पोजिशन देने दे। रिमूव ग्लव्स, डिस्पोज ऑफ दैम प्रोपरली, ग्लव्स रिमूव कर लेनी है, उन्होंने डिस्पोज कर देना है। परफॉर्म हैंड हाइजीन, तो हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी हैगी। नैक्सट आ गई साड़ी बिबलियोग्राफी, बिबलियोग्राफी मतलब कि असी यह जो टॉपिक सेगा कितों कितों चक्या सेगा। फ्रेंड्स ये सी साड़ी आज की वीडियो, मिलते हैं नैक्सट वीडियो नवे टॉपिक के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।